महेंद्र जीत मालवीय जी ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि ऐसे लोगों के जाने से पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। और पार्टी मजबूत होने की वजह यह है कि पिछली दफ़ा जब विधानसभा के चुनाव थे तो महेंद्र जीत मालवीय जी जीते थे, बाकी के सारे लोग वहाँ से उस ज़िले में हारे थे। जब हम लोग 21 आए थे तब भी इनकी शिकायतें हुई थी कि इन्होंने दूसरे लोगों को हराया। फिर इन्होंने स्पष्टीकरण दे करके आश्वस्त किया था कि मैं भविष्य में इस तरह की बात नहीं करूँगा। अब की बार भी इन्होंने स्वयं के अलावा सबको हराने के लिए काम किया वहाँ अपने ज़िले में और अपने संसदीय क्षेत्र में। लेकिन निनामा जी, रमीला खड़िया जी, हमारे गोगरा जी और अर्जुन बामनिया जी वो चुनाव जीत करके आ गए। और चुनाव जीतने के बाद में इनका धरातल बिल्कुल खिसक गया, इनका जनाधार खिसक गया। और पिछली दफ़ा भी इनको 2.5 साल तक पार्टी ने इसलिए नहीं बनाया था कि पिछली दफ़ा भी ये शिकायत थी कि इन्होंने बाकी के साथियों को हराने के लिए काम किया है। ऐसे में 2 साल बाद में इन्होंने पार्टी आलाकमान के पास जाकर के माफ़ी मांगी थी कि मैंने ऐसा काम नहीं किया और फिर भी अगर पार्टी महसूस करती है तो मैं भविष्य में इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करूँगा जिससे पार्टी को नुकसान हो। तब जाकर के 2.5 साल बाद में इनको मंत्री बनाया था। तो इनका आचरण काफ़ी वर्षों से संदिग्ध रहा है, लेकिन फिर भी पार्टी ने ये सोच करके कि आदिवासी नेता है और कांग्रेस की पार्टी की रीति नीति में विश्वास करके और काम कर रहा है तो इसको माफ़ी देते हुए मौके देते रहे। लेकिन अब निश्चित रूप से इनको ये लग गया था कि इस कांग्रेस पार्टी में आपका कोई स्थान नहीं है, आपको कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट नहीं दी जा रही है, भविष्य में अपनी राजनीतिक जो उनकी विरासत है उसको समाप्त समझ रहे थे कांग्रेस पार्टी में। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जो लोग बार बार एमपी बने, जो 5 बार 4 बार एमएलए बने, विभिन्न विभागों के बार बार मंत्री बने और अपनी धर्मपत्नी को जिला प्रमुख बनाए, अपने बेटे को कांग्रेस का नेता बनाए, अपनी मर्जी से प्रधान बनाए, और वो व्यक्ति वहाँ बार बार कांग्रेस को नुकसान करने का काम कर रहे थे, फिर भी पार्टी उनको माफ़ कर रही थी और ये मान के कि आदिवासी नेता है इसलिए इनको CWC मेंबर बनाया। और CWC मेंबर बनाया तब भी इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करूँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने अस्तित्व को बचाने की कुचेष्टा में इन्होंने एक जो ये आज भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग का काम किया है। और जब ज्वाइनिंग की समय ये कहना कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर में नहीं गई, उसका विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके नेता आदरणीय राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट से मैं देकर के सबसे सहमति बनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये राम मंदिर बना है। और उसमें कभी भी कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि कोई व्यक्ति राम मंदिर में अयोध्या नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक बहाना बना करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महेंद्र जीत मालवीय जी का जनाधार वहाँ ख़त्म हो चुका है। उनकी जो संदिग्ध गतिविधियाँ हैं वो आम पब्लिक में, आदिवासी भाई लोगों में पूरी तरीके से उनको पता लग चुकी हैं। इसलिए आने वाले समय में वो ना MP बन पाएंगे, ना MLA बन पाएंगे, ना जिला प्रमुख बन पाएंगे। इनके जो 4-5 जो हमारे MLA साथी हैं वो कल परसों गहलोत जी से भी मिले थे, मेरे पास भी आए थे। उन्होंने सबने कहा, एक स्वर में कहा कि हम अलग अलग बता सकते हैं कि इस व्यक्ति किन किन लोगों को, हम सबको हराने के लिए किन किन लोगों को मदद की। मैं समझता हूं कि ऐसे आचरण के व्यक्ति के जाने से
पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, पार्टी और मजबूत होगी, नई लीडरशिप डेवलप होगी और हम लोग चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वो तो देखो मेन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, किसी के खिलाफ एजेंसियों का दबाव बनाना। और मैं समझता हूं कि अगर मालवीय जी इतने बड़े नेता होते तो दिल्ली में 3 दिन धक्के खाने के बाद में वापस इनको यहां आकर के ज्वाइनिंग क्यों करनी पड़ती, वहां पर नड्डा जी, अमित शाह जी और मोदी जी ज्वाइन करवाते। तो आप समझ सकते हो कि अब उनका समाप्त हो चुका है समय, अब नई लीडरशिप आएगी और कांग्रेस मजबूत होगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, ये तो अगर भारतीय जनता पार्टी जैसे कहती है कि हम पिछले 5 सालों के कार्यकालों की जांच कराएंगे, अगर इनकी भी कराती है तो हम समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी एक है। अगर नहीं कराती है, मैं तो नहीं कहता गड़बड़ की होगी, हमारी सरकार में मेरी नज़र में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की, पारदर्शिता के साथ में काम किए हैं, इसलिए मैं ये आरोप नहीं लगाता कि मालवीय जी ने कोई गड़बड़ की होगी। बट मैं भारतीय जनता पार्टी को ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि क्या आपके विपक्ष में जब रहते हैं तो सब चोर होते हैं, और ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि आपके पास जाते ही सारे दूध के दूल्हे और एकदम ईमानदार हो जाते हैं? तो वो देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने और तमाम नेताओं ने यह कहा कि हम पिछले 5 साल के कार्य जो काल था उसमें जितने भी हैं उनकी सबकी जांचें कराएंगे। तो अगर वो जांचें कराएंगे और उसमें क्या पाया जाएगा वो आने वाला समय बताएगा, आज हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। भाई साहब है ना, पूर्वी राजस्थान को भी साधा जा रहा है बीजेपी ने, और उधर से पश्चिम राजस्थान को भी साध रहे हैं, इधर से शेखावटी क्षेत्र को भी साध रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले बीजेपी और भी कांग्रेसी नेताओं से खुशबू लेगी? मुझे लगता है कि अब वो बीजेपी नहीं रही जो भारतीय जनता पार्टी 2 से लेकर के और आडवाणी जी के नेतृत्व में रथ यात्राएं निकाल करके जनता से वोट लेती थी और जनता का दिल जीत करके अपना जनाधार बढ़ा रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से हो गई कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाओ और एक वातावरण बनाओ और एक माहौल बनाओ कि देखो कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस से सब जा रहे हैं, इसलिए वोट आप हमको दे दो। मैं समझता हूं कि केवल प्रसेप्शन के लिए ये काम कर रही है, वो इस प्रसेप्शन बनाने में कामयाब नहीं हूं। सर, एक आखिरी सवाल, मुझे कहा जा रहा है कि राजनीति के लिए नहीं, मैं राष्ट्रनीति के लिए निकला हूं, ये भी एक प्रसेप्शन बनाया? तो कोई भी हम कौन सी राष्ट्रनीति की बात नहीं करते हैं या राष्ट्र के लिए काम नहीं करते हैं। देश का 140 करोड़ के जनता का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करता है, मोदी जी कोई अलग से नहीं करते हैं। तो ये कहना, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? और आप और हम भी सब राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं भाई साहब। राष्ट्र सबसे आगे है, राष्ट्र के बाद में सब चीज़ें, राजनीति सब चीज़ें आती हैं, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। ये तो 140 करोड़ लोग सब राष्ट्र के लिए काम करते हैं। अच्छा भाई साहब, जो बीजेपी में जा रहे हैं नेता, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो पुराना विजन था, इंदिरा का विजन, राजीव का विजन, लेकिन अब वो विजन खत्म हो चुका है कांग्रेस का, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वहाँ जाकर। वो तो उनको विचारों को जो पढ़ाया जाता है ना कि ये बोलना, उतना ही बोलते हैं, उनके खुद के विवेक से नहीं बोलते हैं वो। 100% समाप्त होगी, 100। ये भी बात आ रही है कि 30 से पहले और भी बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग होगी, तो क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले? नहीं, ये काल्पनिक बात है, काल्पनिक बात है। अब ये भी एक खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा की टिकटों के समय बड़ा भूकंप आएगा और भारतीय जनता पार्टी भी टूट सकती है। तो ये तो खबरें हैं, खबरें सही हैं गलत हैं कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए इस तरह की खबरों का कोई आधार नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर, आप जब बैठे ही हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने बनते ही ये कहा था कि अब आज के बाद में कोई पेपर लीक नहीं होगा। तो 2 पेपर लीक, एक तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी में था एकेडमिक उसका ग्रेजुएशन का या पीजी का, और एक एनसीसी का अलवर के अंदर पेपर लीक हुआ है। तो 2 पेपर तो बिना प्रतियोगी परीक्षा के ही हो गए, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के जब पेपर होंगे तो इनका क्या हाल होगा, ये देखने लायक होगा। सर, राहुल गांधी का रोला है, राहुल गांधी आएंगे न्याय यात्रा 25 को,
बिल्कुल, जो अभी टेंटेटिव कार्यक्रम बाहर जोड़ो न्याय यात्रा का राहुल गांधी जी का बन रहा है, वो 25 तारीख का हमारा अलवर डिस्ट्रिक्ट में वो प्रवेश करेंगे और उसके बाद में शायद एक दो दिन का ब्रेक होगा और उसके नेक्स्ट डे फिर अलवर शहर से हम शुरू होकर के और फिर आगे दूसरे स्टेट में वहाँ पर जाएंगे। तो हम इस तैयारी के लिए 22 तारीख से मैं रंधावा जी, टीकाराम जूली जी और तमाम हमारे वरिष्ठ सारे नेता हम लोग यहाँ से 2 साल लोकसभा का कार्यक्रम करेंगे, फिर भरतपुर का करेंगे, ऐसे करते करते हम अलवर में जाएंगे और वहाँ पर व्यवस्थाओं को देखेंगे और राहुल गांधी जी का उनकी यात्रा का भारी अच्छे संख्या में लोग आएंगे और स्वागत करेंगे और जो हमारा जो फ्लैग सेरेमनी का जो कार्यक्रम होता है उसको हम लोग करेंगे। हाँ, धौलपुर, अलवर नहीं, सॉरी, धौलपुर, दौसा, भरतपुर और हम ऐसे करके धौलपुर आएंगे। धौलपुर में 25 तारीख को उनका कार्यक्रम होगा और फिर शायद बीच में ब्रेक है कुछ दिन का और उसके बाद में हम धौलपुर शहर से कार्यक्रम शुरू होकर के और फिर दूसरे स्टेट में जाएंगे। सब रेडी है साहब, बहुत संख्या में आवेदन आ रहे हैं, लोग उत्साह के साथ में युवा लोग बाग आ रहे हैं और पूरी तरीके से एक स्क्रीनिंग कमेटी की हमारी एक बैठक है हो चुकी है। बाकी भी हम लोग रोज़ाना डिस्कशन करते हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो MLA हैं, MLA कैंडिडेट्स हैं, उन सब से, संगठन के लोगों से चर्चा कर रहे हैं और हम तैयार हैं। जब भी स्क्रीनिंग कमेटी हमें दोबारा बुलाएगी हम लोग जाएंगे और जब भी CEC होगी तब हम लोग इसको क्लियर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, युवा, ये छंटनी हो रही है तो युवा तो आएंगे ही। अच्छा, छंटनी प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। जी जी, हाँ जी 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 जी, देखिए ये पहले दिन से ही एक मॉडल इनका गुजरात मॉडल है कि इनकम टैक्स, ED, CBI से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके डराओ, धमकाओ और क्रेश करो विपक्ष को। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। आप देखिए कि किस प्रकार से 2018-19 की कुछ दिन के लिए लेट, मतलब वो रिटर्न फाइल करने में देरी के कारण से 250 करोड़ का और 230 करोड़ का पता नहीं कितना पेनल्टी लगा देना और वो पेनल्टी चलते 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 बात चलते चलते और अचानक लोकसभा चुनाव के 10 दिन 20 दिन पहले जब आचार संहिता लगने वाली हो तब उनके सारे खातों को फ्रीज कर देना, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा गलत काम इस लोकतंत्र में हो नहीं सकता कि किसी प्रमुख विपक्षी दल, जो सबसे बड़ा दल हो, उसको पूरी तरीके से चुनाव से आउट करने के लिए साजिश रचना और एजेंसियों का दुरुपयोग करना। उसके बाबत हमने तमाम जहां भी हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस थे वहां पर अच्छे तरीके से हमने प्रदर्शन किया है और लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस तरीके के कायराना हरकत नहीं करें इसके लिए हमने ये प्रोटेस्ट किया। सर, बगैर इस्तीफा दिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया मालवीय साहब ने, तो क्या कांग्रेस पार्टी सिफारिश करेगी विधायक दल की तरफ से? वो अगर थोड़ी बहुत भी समझ है तो दे देंगे, आज नहीं देंगे तो हम कार्रवाई करके उनको सदस्यता तो उनकी जाएगी जाएगी, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। वो समझदार हैं तो दे देंगे शाम तक, या दे दिया होगा, दे दिया होगा, दे दिया होगा। नहीं, आप बताओ, तबादलों के बारे में आपने पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है। तबादलों के लिए सबसे पहले सरकार ने बनते ही ये कहा था कि हम तबादले नीति के आधार पे करेंगे, किसी की सिफारिश नहीं लेंगे। और इसका प्रमाण यह है कि किसी भी मंत्री को उसकी इच्छा के अनुसार ऐसे नहीं दिया गया, बाबू कनिष्ठ लिपिक UDC नहीं दिया गया, ठीक है। तो अब दूसरा तरीका कौन सा है? अगर ट्रांसफर खोलें 10 दिन तो वो नीति से करें। नीति एक दो डिपार्टमेंट को छोड़ करके नीति बनी हुई नहीं है, पुलिस को छोड़ करके कहीं भी किसी डिपार्टमेंट की नीति नहीं है। सिफारिश ये कह रहे हैं हम मानेंगे नहीं, तो सिफारिश मानेंगे नहीं और नीति बनी नहीं है तो क्या पैसे से करेंगे या फिर ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ेंगे? दो ही काम हो सकते हैं कि पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ो, नेताओं को बिल्कुल इररिलेवेंट कर दो ट्रांसफर में, या तो ये तरीका है। अब कौन सा तरीका अपनाएंगे ये देखने वाली बात है,
क्योंकि जब एक बार इन्होंने कह दिया कि हम नीति से स्थानांतरण करेंगे, तो जब तक ये हर डिपार्टमेंट की नीति नहीं बना देते तब तक इनको कायदे से ट्रांसफर खोलने नहीं चाहिए थे, और ट्रांसफर खोले हैं तो अब समझ से परे है कि वो कौन सी नीति इनकी दिल्ली से पर्ची आएगी और कौन सी पर्ची के आधार पे क्या करेंगे, ये तो देखने वाला आने वाला समय बताएगा। अभी हुए नहीं तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि वो किस तरीके से करेंगे। थैंक यू। इसको 24 को मैं ले जाऊंगा।